देखिए मायावती जी अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी चंद्रबाबू नायडू केजरीवाल जी और राहुल गांधी के जो बेसलेस एलिगेशन थे चुनाव के समय और चुनाव से पहले उन सब का जवाब देश की जनता ने बहुत अच्छे से दिया है और मुझे लगता है कि जब मैंडेड भारतीय जनता पार्टी को मिला है देश के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी को जनता ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया है ये लोकतंत्र का सम्मान करें और जो अनर्गल और तथ्यहीन झूठे जो, जो आरोप वो पहले लगाते थे कम से कम चुनाव परिणाम के बाद मायावती जी आत्मचिंतन जरूर करें कि जो वो एलिगेशंस लगा रहे थे वो सब बेसलेस थे जनता ने उनका करारा जवाब दिया है और स्वयं ये बताएं कि जब सत्ता में थी तब चीनी मिलों को चलती हुई चीनी मिलों को क्यों बेचा और सत्ता में जब रहते हुए तो जनता के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग करते हुए उन्होंने अमूर्ति घोटाला किया तो ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं चाहे मायावती जी हों चाहे श्रीमान अखिलेश यादव हों चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों अब मुझे लगता है कि इनके सभी तथ्यहीन आरोपों का जो इन्होंने दुष्प्रचार हमारी केंद्र सरकार के खिलाफ किया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया था वो करारा जवाब देश की जनता ने दिया है प्रदेश के लोगों ने दिया है और अब इनको कोई भी बयान देने से पहले आत्मचिंतन जरूर करें कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं इनको तो नैतिक अधिकार बोलने का अब है ही नहीं पहले अपना गृहवान देखें अपनी आचरण को ठीक करें अपनी जो गलतियाँ हैं उनके लिए पराश्चित करें और उसके बाद एक साफ़ सुथरी केंद्र की सरकार पर बेदाग छवि जिस सरकार की है और पारदर्शी व्यवस्था से जैसे केंद्र सरकार हमारी प्रदेश की सरकार काम कर रही है मुझे लगता है कि मायावती जी और अखिलेश जी के जो भी एलिगेशन हैं उनका जवाब प्रदेश के लोगों ने बहुत अच्छे से दिया है देखिए श्रीमान अखिलेश यादव जी ने नकारात्मक राजनीति शुरू की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अलग अलग प्रयोग किए पहला प्रयोग उन्होंने किया सत्ता में रहते हुए जब वो पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री थे चुनाव में गए तो कांग्रेस की बैसाखी के साथ गए कांग्रेस की बैसाखी टूट गई और धड़ाम से समाजवादी पार्टी गिर गई और उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रयोग किया अपनी जो भुआ के साथ तालमेल करके तो बीएसपी के साथ तालमेल किया वो भी चकनाचूर हो गया वो भी टूट गया तो अब क्योंकि जिनके पास अपना बेस नहीं होता है जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है जो अपने जिन्होंने संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के उनको जिस तरह से दरनेकार किया तो ये जो शहजादे हैं इनको जमीन की जानकारी कम रहती है अपने अहंकार में ये सत्ता का कहीं ना कहीं दोहन करना चाहते हैं या लोकतंत्र में अपनी दादागिरी करना चाहते हैं ये जनता है यहाँ दादागिरी किसी की नहीं चलती है ये केवल और केवल अपने अहम के शिकार हुए हैं और अब उनको प्रयोगों का नाम दें खूब प्रयोग करें जब तक समाजवादी पार्टी पूरी तरह से धरातल से समाप्त ना हो जाए तब तक वो नए नए प्रयोग करते रहें हमारी शुभकामनाएं उनको